इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी में लगी फैक्ट्रियां आग में खाक हो रही हैं। पिछले दिनों केमिकल की दो फैक्ट्रियों में भयंकर आग लगी थी। आग की आंच साथ लगती कई फैक्ट्रियों तक पहुंचने से काफी नुकसान हो गया था। इतना ही नहीं, आग में एक व्यक्ति जिंदा जलकर मर गया था। मामले पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। गुरुवार को SDM डॉक्टर निर्मल नागर के नेतृत्व में गठित टीम सदस्यों ने प्लॉट नंबर 515 में पहुंचकर निरीक्षण किया और जानने का प्रयास किया कि विकराल आग लगने के पीछे कारण क्या रहा। SDM ने कहा कि नियमों के विपरीत फैक्ट्री चलने नहीं दी जाएगी। यहां पर हजारों की तादाद में श्रमिक काम करते हैं, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा एक जो इंडस्ट्रियल एरिया में आग जलने की घटनाएं हो रही हैं, उसके संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी। तो इसके अंदर हमारे HSADC के एम्प्लॉय थे, जॉइंट डायरेक्टर DIC थे और अन्य जो फायर से संबंधित अधिकारी थे उनको हमने बुलाया था। इसमें तो मौके पर जो डिस्कशन हुआ, जो मौका देखा गया है, उसमें एक फैक्ट्री में आग लगी थी 1 महीना के पहले करीब, उसको देखा गया। उसके अंदर मौका देखा गया था क्या उन्होंने मतलब जॉइनिंग वायलेशन कर रखी है, नहीं कर रखी है। प्राइम एफ एसी HSADC ऑफिशियल से एक रिपोर्ट मांगी है और वह जो उनके चार्टर हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनकी कॉपी मांगी है और प्रत्येक अधिकारी जो भी जिस विभाग से है, जिससे संबंधित NOC है, उनके बारे में भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट के आने के बाद एक ओपिनियन दिया जाएगा कि क्या यह है जो फैक्ट्री थी सारी NOC हैं तो और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से हमको फॉलो करती थी या नहीं करती थी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।